गाँव में लेके जाइए और लोगों के बीच में बैठ के चर्चा कीजिए। वहां हम गए थे, ऐसा कैसे ऐसा कहा था, ये कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, क्या है इस चीज का आगे पीछे क्या है, ऐसा आप करें तो काफी देश का फायदा होगा। बीआरएस पार्टी एक चुनाव के लिए किसी को नेता बनाने के लिए नहीं आई है। बीआरएस कोई एक राज्य का पार्टी नहीं है, भारत को परिवर्तन होना जरूरी है, पूरे भारत को। जब तक हम परिवर्तित नहीं हुए तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। बस भाषण सुनते रहोगे, कवाली सुनते रहोगे, सियासी नेताओं का गुणगान सुनते रहोगे, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ये पक्का लिख रख रहा हूँ। क्योंकि 50 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, मैं देख रहा हूँ। एक ऐसी देश है हमारा, सब कुछ हमारे आंखों के सामने है, हमारे आंखों के सामने है, हमारी अपनी संपत्ति है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। दो ऐसी चीज है जिसके लिए आज महाराष्ट्र तरस रहा है, सारे भारत भी तरस रहा है, महाराष्ट्र ही नहीं। महाराष्ट्र में जो हालत है करंट का, पानी का, ऐसे ही हालत पूरे भारत का है, पूरा भारत सिवाय तेलंगाना छोड़ के, एक तेलंगाना छोड़ के। दो बातें हैं जो बहुत ही जरूरी बातें हैं इंसान के जिंदगी के लिए, वो है पानी और बिजली। पानी जितना चाहिए होता है भारत के लिए, उससे डबल पानी हमारे देश में है, ये जरूर याद रखिए इस बात को। जितना पूरे भारत को चाहिए सिंचन के लिए, पीने के लिए, उद्योग के लिए, अन्य चीजों के लिए, कुल मिलाकर जितना पानी हमारे लिए चाहिए उससे डबल पानी हमारे देश में उपलब्ध है, फिर भी हम उससे वंचित है, क्या कारण है? इस एक चीज को जान जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो भाई साहब वहां बैठे यवतमाल से आए, आपका शुभ नाम क्या है? मालवी। मालवी जी बता रहे थे, मैं जब शाल पहना रहा था उनको तो बता रहे थे मेरे कान में मुंह डाल के, महाराष्ट्र में खिचड़ी सरकार से हमको बचा लीजिए। तो है फिर क्यों वंचित है मुझसे? पानी के लिए हिंदुस्तान को ना रशिया को भीख मांगना पड़ेगा, ना अमेरिका से किससे पूछने की जरूरत नहीं है, ना किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, हमारे अधिकार में है। फिर क्यों नहीं मिल रहे पानी, इसका कथा क्या है? सियासत, राजनीति, पॉलिसी, संविधान आसमान में नहीं है, जमीन में है। मैं जमीन की बात कर रहा हूं, पानी के बिना जिंदगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है जिसकी हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है, पानी किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता किसी भी कीमत पर, इंसान पानी को तैयार कर ही नहीं सकता। पानी भगवान का देन है, प्रकृति का देन है। आपने कभी देखा किसी फैक्ट्री में पानी बना कहीं? छोटी सी बात है लेकिन यह भी हम कंपनी सोचा नहीं है, क्योंकि हमको ख्याल ही नहीं है इस बात के बारे में। पूरे दुनिया में पानी कहीं भी कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, ये भगवान के फैक्ट्री में प्रकृति के जरिए हमारे पास पहुंच जाता है। बहुत ही अमूल्य चीज है, इसको ऐसा संभाल के रखना चाहिए। लेकिन हमारा देश बड़ा अजीब, हमने बाढ़ भी देखा है, कई प्रांत हमारे देश में बाढ़ से प्रभावित है, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, हमने सूखा भी देखा है, फिर भी हमारे पास कोई सब अपने हालात पर मुतमइन है।
ना नेता को चिंता है ना हमको चिंता है। नेता को चिंता इसलिए नहीं है